पूछ लेते कि चिकन खाना है नहीं खाना, तो जिसको खाना होता तो वो ले लेते थे। हमारे ग्रुप में भी थे दो नॉन वेजिटेरियन, तो ऐसे करते, चिकन बहुत टेस्टी है खाना है। फिर हम सोचते नहीं अभी अरे आप नहीं। वेजिटेरियन थे, यस सर। ओके, तो आपके फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे थे हाँ ऐसे ही चिकन खा है, रहे हैं, बहुत वो टेस्टी। चीज कर रहे थे वो आप। खाते ही ऐसे ऐसे मजे से कि बहुत टेस्टी है, लजीज वाला वे दिखाते ना, तो लगता कि होगा टेस्टी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू था, मेरा 10 o'clock के बाद था आई थिंक। तो फोर्थ डे आपका यस पीआई सर, शेड्यूल हुआ था, यस सर। तो बराबर। उसके बाद उस दिन तो वरना तो मैं ऐसा था कि सुबह सबसे पहले उठ रही हूँ, सबसे पहले नहा धो के सबको उठा रही हूँ। उस दिन मैं सोची आराम से होएंगे, हमारा अभी इंटरव्यू थोड़ी है, तो आराम से रेडी वेडी हुए, फिर हम गए इंटरव्यू देने। उसके बाद फिर वेटिंग एरिया में बैठे थोड़ी देर, फिर साइड में था ऑफिस, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, तो मेरे को अलग से बुलाने आए। एक दीदी का हुआ था, वो थोड़ी स्टोरी बता रही थी, इतने में ही आ गए। तो उन्होंने ऐसे बहुत घुमाया, उन्होंने पता नहीं इनकी पीआई क्यों फॉर्म भरवाया कि, मुझे तो ये समझ नहीं आया उस इंटरव्यू के बाद। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड पूछा, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा, उसके बाद वो अपनी मर्जी से कुछ भी। मैंने क्लियरली ऐसे बोल दिया सर, मेरे को करंट अफेयर नहीं आते सर, वो मेरी वीकनेस है, मैं हर तरीके से दिखा रही हूँ वो मेरी वीकनेस है। मैं ये बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी ये बोलते हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो हर किसी ना किसी वजह से करंट अफेयर्स घुसा देते, कभी पूछ लेते ठीक है 2 दिन बताओ अभी न्यूज़, अच्छा ये बताओ अभी जो डील हुई थी उसके बारे में बताओ, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के वगैरह के ऊपर। और क्योंकि जैसे हरियाणा से हूँ, तो थोड़ा उस चीज़ का भी, कई बच्चे हरियाणा से तो पूछने लगे किस किस से मिले हो ऐसे। तो क्या हुआ, झज्जर से हूँ ना मैं, तो एक लड़की झज्जर की थी, मैं उससे मिली थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया मैं झज्जर से हूँ। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोल रहे, हाँ एक झज्जर वाली थी, मैं से बता नहीं सर, उससे तो मैं मिली नहीं, और तो मैं सबसे मिली। तो मैंने ऐसे कई जगहों का नाम दिया कि सर और जगह से मैं मिली हूँ, इससे शायद मैं नहीं मिली होंगी, और वो बोल के गई होगी मे बी कि मैं मिली हूँ, तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट भी हो गया होगा। पर ऐसे फिर सर ने पूछा भी क्या स्पेशलिटी है झज्जर में, तो एम्स भी है, और मैं वो भी नहीं बोल के आई। मैं उस क्योंकि वो उन्होंने बीच में पूछा था ना, मैं इतनी कंफ्यूज हो रखी थी उस टाइम पे सर, मेरे को कुछ नहीं बताया सर, मैं कहीं नहीं घूमी हूँ सर, मेरे को नहीं बताया, ऐसे वे में आंसर कर रही थी मैं। फिर उन्होंने प्लेन के बारे में ऐसे पूछा, एयरफोर्स क्यों कौन सा प्लेन उड़ाना है, तो मैंने बोला सर Sukhoi 30 MKI ऐसे करके। तो उन्होंने पूछने लगे, एक दो क्वेश्चन पूछे नॉर्मल नॉर्मल से, फिर उसके बाद पूछ बोले कि रफाल और Sukhoi 30 में से तुम आइडेंटिफाई कर लोगे इनको। तो मैंने भी बोल दिया सर रफाल का पता नहीं, मैं Sukhoi 30 कर लूँगी, मेरे को वो उड़ाना है ऐसे करके। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पूछी, उसकी ज्योमेट्री, उसके फंक्शंस, उसमें क्या Sukhoi 30 स्पेशल। के बारे में यस आपसे सर, बेसिकली पूछा था। यस सर, सब कुछ पूछ लिया उसके बारे में, जितना मुझे पता था मैंने सारा बता दिया। उसके बाद उन्होंने लैंडिंग कैसे होती है, टेक ऑफ कैसे होता है, टेक ऑफ तो सब पढ़ के जाते हैं, लैंडिंग मैंने तो आज तक सुना ही नहीं था कि कोई पूछ भी लेगा। उसके ऊपर भी वो नहीं रुक रहे, कई प्रिंसिपल सुन लिए उसके बाद, और मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो रखी, मैं प्रेशर ग्रेडियंट को वॉल्यूम ग्रेडियंट बोलने को हो रखी। और उसके बाद फिर वो पूछ रहे अच्छा प्लेन का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने क्या उड़ाया जो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो, और मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था, तो जितना पता था उसके अलावा। फिर सर आई स्टडी अबाउट इट, आई टेल यू इन कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके टालने लगी कुछ क्वेश्चन। फिर ऐसा भी पॉइंट आ गया था सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर आई डोंट नो, ऐसे करके बोलने लगी वो। ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन डाल देते, एकदम से ये पूछ रहे थे, उसके बीच में एक बार ये भी पूछ लिया, अच्छा तुम्हें गुस्सा आता होगा, तुम अपने भाई के मारते हुए तुमने बताया तुम उसे पढ़ाती हो, तो बोली नहीं सर मेरे को, मैं उसे उसे मारती नहीं, मैं पनिशमेंट में भरोसा ज़्यादा करती हूँ। तो वो बोले किस टाइप की पनिशमेंट, मैं बोली सर आई मेक हिम मुर्गा। उस टाइम उन्होंने एक बार स्माइल दी थी, उसके अलावा उन्होंने एक बार जब स्माइल लिया था, वो पूछ रहे थे तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बारे में क्या कहते, तो मैंने बोल दिया था सर, मैं उन्हें अच्छे से ऐसे प्रेजेंट कर रही कि अच्छे से सुंदर दिखे ऐसा आंसर प्रेजेंट करूँ, पर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, बार बार घुमा रहे, तो मैंने बोल दिया सर मैं बहुत पतली हूँ, वो कहते हैं थोड़ी मोटी हो जा खाना खा के। तो उस मतलब टाइम आपके दादाजी यस सर, ऐसा तो आप ही आपके पीआई ऑफिसर को यस करेक्ट। सर, ओके उस टाइम उन्होंने थोड़ा स्माइल दिया, उसके अलावा वो बहुत सीरियस बैठे रहे, ऐसे स्माइल वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, और मुझे तो ऐसे डर भी लगता कभी कभी, वो ऐसे देखते रहते स्ट्रेट कि क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर वो उन्होंने 10 मिनट के आसपास इस चीज़ पे घुमाया, उन्होंने नेवी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, सीधा बोले तुम्हारी थर्ड चॉइस आर्मी, तुम्हें आर्मी क्यों नहीं जाना। फिर मैं समझा रही नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी बुरी नहीं है। फिर बोले तुम्हारा मेरिट इशू हो जाए तो तुम क्या करोगी, मैं भी अच्छे से आंसर बोल रही सर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं फिर से NDA एग्जाम दे दूँगी, मैं इसी बात पर घूम फिर गया कि मैं तो एयरफोर्स ही लूँगी। तो मैं थोड़ा उस पर ऐसे स्टबर्न रह रही ना, तो वो अलग अलग केसेस दे, CPSS नहीं हुआ, मेडिकल इशू हो गया, सिर्फ आर्मी फिट हो ये वो, एंड में उन्होंने सारे ऑप्शंस ख़त्म कर दिए कि जैसे बिल्कुल मान लो मेरा लास्ट चांस हो लाइफ का,
और मैं ओनली आर्मी फिट हूँ, मेरिट में भी मैं वही हूँ, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लगाई ना, तो मैं उस टाइम परेशान भी हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या मैं बोलूँ, मैं तो मैंने बोल दिया सीधा सर, ओके सर आई विल जॉइन आर्मी, यस हाँ, तो मैंने बोल दिया ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। So, जो आपके पीआई ऑफिसर्स थे, उन्होंने आपसे पीआईक्यू जो फॉर्म आपने फिल किया था उसमें से कुछ नहीं पूछा? उसमें से कुछ ऐसा नहीं पूछा, मतलब उन्होंने मेरा स्पोर्ट्स का सेक्शन टच नहीं किया, कोई अचीवमेंट का सेक्शन कुछ टच नहीं किया। मैं तो यही सोच रही थी इसमें लिखवाए कुछ तो पूछ ही लेंगे, इससे ईजी होगा अगर मतलब बास्केटबॉल खेला है उसके बारे में पूछेंगे तो मैं उसके बारे में क्लियरली बता पाऊंगी ऑब्वियसली। तो और जो आपके पीआई ऑफिसर थे आपको कब पता चला कि वो आपके बोर्ड के डेप्टी प्रेसिडेंट थे? वो प्रेजिडेंट थे सर, आगे इसके कोई सामने वाले बोल नहीं रहे थे, साइड वाले बोल रहे थे, ऐसे करके बच्चे बता रहे थे कि जो साइड में बोलता है ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे करके बता रहे थे, वो भी मेरे को आइडिया नहीं था। और फिर क्या आगे? फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे कई देर मुझे घुमाया, बहुत चीज़ों पे ग्रिल किया, बहुत जनरल नॉलेज पूछी, ज्योग्राफी वगैरह भी कुछ पूछ ली। उसके बाद उन्होंने बोला 40-45 मिनट्स हो गए होंगे कि फॉर द पास्ट 40-45 मिनट्स दिस इंटरव्यू हैज़ बीन वन साइडेड, आई हैव बीन आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू हैव बीन आंसरिंग, सो वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस? मैं बोली नो सर, फिर बोले श्योर, बोली यस सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, ऐसे करके। तो वो बोले ओके, तो वो एक सेकंड पॉज हुए, मैं सोची वाह अब मैं गई, क्योंकि ऐसा हो गया था वो कुछ भी पूछ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ वापस। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को गाइड करो, ऐसे लीड करो क्या बोलना है, वो मेरे को नहीं लगता मेरे बस की वो चीज़ है, क्योंकि मैं तो खुद के आंसर्स पे बाद में एक सेकंड बोलते ही सोची इसको मैं इस वे में भी बोल सकती थी सेम चीज़ को, बोलना नहीं आया मुझे, ऐसे खुद को सोच रही काश बेटर बोल लेती। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, मैं अगर वो एक सेकंड भी नहीं बोलते ना मैं उठ के चलने को लग जाती, पर उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए और अगले 10 मिनट फिर वो फिर पूछते रहे। ओके, आपका पीआई ओवर होने के बाद मतलब हाँ उन्होंने आपसे हाँ ये क्वेश्चन पूछा, आप बताते तो सब यही है ना कि लाइक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? सो नो सर, इसके बाद इंटरव्यू खत्म। हाँ उसके बाद उन्होंने 10 मिनट पूछा और फिर पूछ रहे ईस्टर्न ये एयर कमांड किधर है, वेस्टर्न वाली किधर है, अच्छा तुम कौन सी स्टेट्स क्रॉस करोगे ईस्टर्न जाने के लिए? तो मैंने पहले ना मैं बड़ी अक्कल लगा रही कि अब मैं नहीं फंसूंगी, अब आप मुझे फंसा के दिखाओ। मैं बोली सर डिपेंड करता है ना मैं कैसे जा रही हूँ, अगर मैं एयर से जा रही हूँ मुझे क्या पता मैं किस स्टेट को क्रॉस कर रही हूँ, मैं इस वे में आंसर दे रही। फिर मैं सोची अब मैं ट्रेन बोलूँगी, कोई टनल टूनल कुछ तो होगा, तो मैंने बोल दूँगी सर कोई टनल है डायरेक्ट जाती है, तो उन्होंने बोला नहीं तुम बाय रोड जा रही हो। तो फिर मैंने आंसर देने शुरू किया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने बोला टुमारो यू लीविंग, तो मैं देहरादून में ही होंगी, तो मैं भी हरियाणा से सर यहाँ, तुम हरियाणा में होगी कल? सॉरी सर यहाँ से देहरादून से, ऐसे करके स्टार्ट किया। फिर मैंने उसमें छत्तीसगढ़ भी बीच में घुसा दिया था, वो नहीं आएगा, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। फिर उन्होंने 7 सिस्टर्स वगैरह के बारे में कुछ पूछा, तो कैपिटल और नेम वगैरह, तो मैंने ऐसे फिंगर टिप्स पे काउंट करके ये ऐसे कर करके बताए, मैंने काउंट किया था कि 7 बता दिए, लेकिन वो मुझे ऐसे देखे जा रहे, मैं सोची नहीं आता मेरे को, मैंने 6 बताए हैं। यस सर, क्योंकि वो ऐसे देखे जा रहे हैं, वो कई जगह ऐसे देखते रहे, तो मैं ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती, फिर गड़बड़ कर दी मैंने। तो उस टाइम तक ये तो सीख ही लिया था, इतनी बार ना बोल चुकी, एक और बार कहते सॉरी सर आई कॉन्ट रिकॉल राइट नाउ, तो मैंने ये कह दिया। हाँ उसके बाद फिर वो बोले ओके थैंक यू, फिर मैं बैठी रही 2 सेकंड, नहीं ये फिर से पूछना स्टार्ट कर सकते, कोई भरोसा नहीं है। फिर उन्होंने बोला ना 2 सेकंड बाद और कि ओके यू मे लीव नाउ, तो फिर मैं गई और फिर फाइल वगैरह थी वो उठा के, उस टाइम भी पेन वगैरह मेरे बाहर रखे थे, मैं वो भी इतनी ऐसा होने के बाद कि ये क्या हुआ मेरे साथ, उस चक्कर में पेन वगैरह उठाना भूल गई। फिर मैं सोची वो हो, फिर मैं डांट खाऊंगी किसी ने देखा, तो फिर मैं वापस भागी गई वो पेन लेने। फिर उसके बाद एक दीदी जिनका इंटरव्यू मेरे से लंबा चला था, उनका 1.5 मिनट्स चला था, मेरा 55। आपका 55 मिनट्स का यस सर चला, मतलब मैंने टाइम नहीं देखा था, पर जो और थे ना कि तू इस टाइम गई थी, यस सर, तो उस दीदी के पास गई मैं कि उनका भी थोड़ा ग्रिल हुआ था, वो जम्मू कश्मीर की थी वो, तो मैं उनको बता रही ना, तो भी अच्छा कोई बात नहीं, वो थोड़ा ऐसे थी कि कोई बात नहीं कर देते हरकतें कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर सब खत्म हो गया था, ये था कि अब तो रिलैक्स्ड है। उन्होंने पूछा भी था अब क्या करोगे, अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास, मैंने बोला था बास्केटबॉल खेलेंगे, तो हमने बास्केटबॉल खेला, बहुत मज़े किए। फिर अगले दिन सुबह कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई, थोड़े कुछ बच्चों का जीटीओ का कुछ पोर्शन बचा था, वो होने के बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई हमारी। तो कॉन्फ्रेंस में इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसे वैसे करना है ये, आपको शाम को ही बता दिया गया होगा? नहीं, हाँ कॉन्फ्रेंस का तो था ही सर। तो उसके बाद फिर उस दिन हमें ऐसे बैठा दिया कि एक यहाँ पे 4-5 चेयर थी शायद, कि एक जाए आगे आगे शिफ्ट होते जाए, तो एक इंसान अंदर आते रहना ऐसे। तो उसके बाद फिर हुआ मेरी बारी आई, थोड़ा वेट किया, जैसे एक लड़की निकली तो मेरे उसके बीच में हल्का गैप तो हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने बोला तो क्या हुआ, उस टाइम गुड आफ्टरनून होने की थी, लेकिन मेरे मुँह से निकली गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर,
पर इस चीज़ का मेरे पास जस्टिफिकेशन था खुद में ही कि मतलब जब फर्स्ट टाइम किसी को मीट करते तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, सोची कोई बात नहीं है, गलती नहीं है, बैठते बैठते यही सोच रही मैं. उसके बाद फिर मुझे कुछ लोग पहचान में आ रही, मैं सोच रही अच्छा तो ये मेरे जी टी ओ सर थे, ये वो थे, ऐसे वो कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे ऑफिसर्स. यस सर, आपके जी टी ऑफिसर भी थे. यस सर, तो उसके बाद फिर बोलना स्टार्ट करा उन्होंने. साइकोलॉजिस्ट का तो आपको पता ही नहीं चला होगा आपके कौन थे. हाँ ये तो है ही सर, पर हमारे हिसाब से जो स्क्रीनिंग के टाइम जो मैम थी ना वो साइकोलॉजिस्ट थी, मतलब हम सबको ही ऐसा लगता है, ये जनरल थॉट है सबका. ओके, बाकी पीआई ऑफिसर और जीटीओ ऑफिसर yes, वो आपने पहचान. यस सर, पीआई ऑफिसर का तो ऐसा हो गया था, उन्होंने इतनी देर स्टेयर कर दिया था, मैं एक बारी को उनकी शक्ल भूलने लगी थी, मुझे आवाज़ याद थी और ये याद था कि अच्छा थोड़े थोड़े ऐसे दिखते हैं, मतलब ऐसे ब्लर इमेज. फिर वहाँ पे थोड़ा वापस याद आया तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुमने क्या किया, क्या खेला, तो फिर मैंने बोला बास्केटबॉल सर, वो बोले फुटबॉल नहीं खेला. मैं बोली सर आई डेंट फाइंड एनी बडी इंटरेस्टेड, ऑल्सो आई डेंट नो वेयर द कोर्ट वॉज. तो उसके बाद वो बोले कोर्ट और फील्ड, मैं सोची ये भी गड़बड़ कर दी मैंने, मैं बोली सॉरी सर फील्ड, तो बोले ओके. फिर वो बोले कि अच्छा फील्ड ना उसके पीछे है जो कैंडिडेट्स में से. मैं सोची क्या मेरे को फिर से बुलाओगे, आप वैसे बता रहे हो अगली बार खेल के जाना. बोली ओके सर, मैं थोड़ा सोची ये क्यों बता रहे हो मुझे, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे रिकमेंड नहीं कर रखा एक बार ऐसा थॉट आया. फिर बोले एनी सजेशंस, मैं बोली नो सर, क्योंकि जनरली कोई सजेशंस नहीं थी, सुबह उपमे में गड़बड़ की थी, वो हमने डांट सुन ली थी, तो मैं वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाली थी. उसके बाद फिर लंच वगैरह हुआ हमारा, फिर थोड़ी बहुत और देर वेट किया, फिर मतलब ये हुआ था कि 12-13 रिकमेंड हुए हैं पहले की जो दो एनडीए की बैचेस थी उसमें गर्ल्स की जो थी, तो हमें लगा था इतने होंगे तो हमारा भी चांस आ जाए शायद कहीं. हमें और कुछ काम बचा नहीं था, हम दो तीन बैठ के ऐसे, एक थी लड़की चेस नंबर 10, उसके साथ मेरी सही बनती थी, हमारा इंटरव्यू सिमिलर गया था. तो हम ऐसे ही बैठ के जज कर रहे ये आउट है ये इन है, एक लड़की बहुत कॉन्फिडेंस में इधर से उधर चलती घूम रही कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है मैं रिकमेंड होंगी, और उस पर पूरी SSB बैट लगाई हुई कि नहीं होगी रिकमेंड. वैसे बकवास करना स्टार्ट किया क्योंकि नर्वस होकर कोई फ़ायदा नहीं है. और एक लड़की थी जैसे पता था कि हाँ वो मॉडल लाइन की, उसकी कॉन्फ्रेंस. यस सर, यस सर, और कुछ बचा नहीं है ना, तो हम ऐसे ही अच्छे से नहीं चल रही, ये नहीं होगी, नहीं ये मेरे साथ बास्केटबॉल नहीं खेल रही थी, ये भी नहीं होगी, इसने खाना नहीं खाया ढंग से, इसने स्पून छीनी थी, ये भी नहीं होगी. ऐसे हम कुछ भी कर रहे टाइम पास हो जाए हमारा. फिर तो उन्होंने बोला अंदर आए कि आई वोंट गिव यू मैनी एग्जांपल्स, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल है सब जानते हैं इंटरनेट पे, ऐसे वैसे थोड़ा मोटिवेशन दिया. उसके बाद फिर बोले अच्छा 6 लोग रिकमेंड हुए, तो वो मैं चेस नंबर 8 थी, वो 10 थी, एक ही बीच में था, तो हम नहीं होंगे. फिर हमें ये था कि अगर मैं हो गई तो वो भी होएगी, तो हम इसलिए भी कोई बात नहीं बस चेस नंबर 8 बोल दे. ऐसा हुआ था जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना, तो एक बार तो हमें लगा हम होएंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी थे जो रिपब्लिक डे परेड में परफॉर्म कर रखे हैं, तो कहाँ रिपब्लिक डे पे परफॉर्म किए हुए लोग और कहाँ हम, मतलब कईयों के बैकग्राउंड भी ऐसे थे स्पेशल फोर्सेज में अपेरेंट, तो थोड़ा ऐसा लगा कि हमें हमारा तो कुछ नहीं होना. लेकिन फिर उन्होंने बोला चेस नंबर 1, फिर चेस नंबर 8, तो मैं तो ऐसे स्टिल खड़ी हुई ऐसे अपनी शील्ड लेके, और चेस नंबर 10 को बोलो सर अब मेरी भी बारी है, वो डबल खुश होके हम मेरे को बताया. फिर चेस नंबर 10 बोला, फिर उसके बाद बोला था 20, 25 और 43. तो उस टाइम क्या था, हमारी जो चेस नंबर शायद 63 थी वो ना फर्स्ट एनडीए बैच के लिए रिकमेंड हुई थी, और ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था, पिछली बार वो नहीं हुई रिकमेंड, मेरिट आउट थी फर्स्ट टाइम में. तो हम सब होप कर रहे थे वो भी हो जाए, तो उनके लिए भी हमें थोड़ा ऐसे लगा ये नहीं हो पाई, लास्ट चांस था उनका. फिर हम बाहर गए, हम थोड़ा खुश हुए, उछले और एक दूसरे को ऐसे हग कर रहे, वाह हो गया. मतलब आपका चेस्ट नंबर कितना था? 8 सर. 8 था, यस सर. तो उसके बाद फिर वो बोले अभी खुश मत हो, अभी डॉक्यूमेंट्स भी भरने हैं. तो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरे, हमें वो हाँ हमें फ़ोन दे दिया कि सिर्फ मैसेज कर दो कि रिकमेंड हो, इतना सही अभी डॉक्यूमेंट्स भरने. तो क्या हुआ, मैं रिकमेंडेड की स्पेलिंग भूल गई. उन्होंने करे आ रही CO बस इतना ही हो रहा मेरे से. फिर वो सजेशंस में आता ना रिकमेंड आया, फिर मैं सोची इसके पीछे मैं ED तो लगा सकती हूँ. फिर मैंने वो ऐसे बस इतना ही भेजा, और फिर किसी का फ़ोन आ रहा तो थोड़ी देर एयरप्लेन मोड पर लगा दिया, फिर बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए. फिर उसके बाद हमें थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा टी वगैरह कुछ दी और रस्क वगैरह कुछ ऐसे बिस्किट्स वगैरह दिए, और फिर हमें वापस डॉक्यूमेंट बिठा दिया, तब हमने थोड़ी देर बात कर ली थी. फिर अगले दिन CPSS वगैरह था, तो एक के तो स्पेक्स था तो उसको तो पहले ही मना कर दिया था कि ये तो CPSS के लिए एलिजिबल ही नहीं है. अच्छा, फिर यस सर, right. और दो की हाइट में था, पर ना ये था कि ग्रोइंग एज है, शायद कोई कंसेशन हो या फिर उन्हें भी देने दिया ऐसे. तो 3 लोगों का हुआ, 2 का नहीं हुआ. मेरा सब सही जा रहा था, मेरे को लगा था मैं फर्स्ट वाले में क्लियर नहीं होंगी, लेकिन फर्स्ट वाले में वो आके बोलते हैं सब क्लियर हो गए, सबके अच्छे मार्क्स आए. मैं इसमें तो मैं सो रही थी, इसमें मेरा हो गया.
फिर अगले वाले में क्या हुआ कि वहाँ पे एक होता है जिसमें ग्रीन लाइट को रेड करना होता है, पिंक करना होता है, तो उसमें रेड बटन दबाना होता है. मैंने और सारे मेरे अच्छे से हुए हैं और सारों में गारंटी है मेरे बहुत से स्कोर्स होंगे, लेकिन उस वाले में पहले तो मैं भूल गई कि रेड बटन दबाना है. मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे लेकिन इतने ध्यान से ही मैं सोची सब ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा. एक बारी मैंने गलत रेड बटन दबा दिया तो वो टर्मिनेट हो गया. एक बारी मैंने उस तक होल्ड किया, एक बारी तो मैंने दबाया ही नहीं क्योंकि मैं होल्ड कर रही और मेरे को ध्यान नहीं रही कि पिंक क्यों नहीं हो रहा, ये रेड बटन दबेगा. एंड में जब मेरे को होश आया ना कि वो रेड बटन भी दबाना है, तब तक तो मैं हो गया था, काम खत्म. एक भाई थोड़ा बुरा लगा, फिर मैं सोची कोई बात नहीं, दो ही सीट है अगर, और एक्चुअली मैं मतलब अगर मैं फिट भी होती तो भी मेरे से ऊपर दो फ्लाइंग फिट है, तो मेरे को मिलनी नहीं थी. तब ज़्यादा बुरा लगता ये सोच के मैं थोड़ा खुद को कोई बात नहीं होता है ऐसे करके शांत किया. फिर हमें बोल दिया था हमारे मेडिकल्स हैं 18 से थे शायद, फिर हम वहाँ मेडिकल्स के लिए गए. वहाँ पे हमने बहुत हरकतें की, अगर सीरियसली अगर हमें वहाँ पे देख लेते तो हमें रिकमेंड नहीं करते. ऐसा क्या किया आपने? मतलब हम एक जगह शांति से रुक ही नहीं सकते थे, डॉक्टर्स भी हमसे परेशान थे कि जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आवाज़ हो रही है, और क्योंकि इतना वेटिंग होता था तो हम परेशान होके, हमें और कुछ नहीं था ना तो हम इधर से उधर राउंड लेके आते थे पूरे पूरे हॉस्पिटल का. और ऊपर से उस टाइम मॉक ड्रिल्स वगैरह चल रही थी हॉस्पिटल में, कभी कोड ब्लू आ रहा है मतलब पेशेंट गिर गया, कभी कोड पिंक शायद बेबी गुम होने का, कभी कोड ब्लैक टेररिस्ट आ गए, कोड रेड शायद फायर का था, ऐसे कई कई थे. तो प्रैक्टिस करते उसमें भी हम बकवास करते इधर उधर. तो हमने बहुत उधर मज़े किए, और मतलब सीरियसली जितनी सिंसियरिटी हमने वहाँ दिखाई थी ना SSB में, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट. हम टिकेंगे नहीं उस मेस में भी. दो दिन का सैटरडे संडे बीच में आ गया था ना, सैटरडे को कुछ इंस्पेक्शन वगैरह था तो वैसे भी ऑफ हो गया था हमारा. तो हमने पूरा पूरा एरिया जो वेस्टर्न एयर कमांड का पूरा छान मारा जहाँ तक हम जा सकते थे. मतलब हमें बताया वहाँ पे कहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे कहाँ पे कौन सी शॉप है, कहाँ पे कैसा खाना मिलता है, कहाँ के गोलगप्पे अच्छे, हमें सब पता था. मतलब ऑफिसर्स के घर में घुसने नहीं दिया लेकिन हम वो भी देख सकते थे. हम इतना मतलब पूरा एरिया इधर यस सर घूमते तो हम शाम को थे भी डेली जैसे ही आते, पर उन दो दिन जैसे था ना कि पूरे पूरे दिन खाना खाने के लिए अंदर. उसके बाद भी हमें इतनी भूख लगाती कि हम ठीक है आज यहाँ का कुछ टेस्ट करके आते हैं, यहाँ का कुछ टेस्ट करके आते हैं. और हमारी एक्सप्लेनेशन होती थी हम अनहेल दिखा के हम नारियल पानी पीते हैं तो हम हेल्दी खा रहे हैं. तो हमने ऐसे बहुत वहाँ पर बहुत मज़े किए. वहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा था, डेली अलग क्विजीन होती थी और मतलब वहाँ पे ज़्यादा मज़े आते थे. वहाँ पे एक रूम में दो ही थे तो हम टीवी वगैरह देखते, मूवी तो इकट्ठे होके देख लेते. इतना जंक फूड हमने पिछले 2-3 साल में नहीं खाया होगा जितना हमने वहाँ पे एक हफ्ते में खा लिया. और फिर एक लड़की का ऐसा हुआ ना, उसके 2 kg TR निकला. तो वो सोच रही कि अगर मैं थोड़ा शायद कुछ कर लेती तो ना भी आता ये, क्योंकि लास्ट डे फिर से मेजर किया था उनका वेट. तो उसे लगा कि ये तो मैं शायद कम कर सकती थी, एक हफ्ता था मेरे पास, मेरे को पता था मैं ओवरवेट होता. यस सर उसका TR तो क्लियर हो गया अब. तो वैसे हमने मतलब सीरियसली पूरे प्रोसेस में ना सबसे ज़्यादा मज़े हमें मेडिकल में आए. तो उसके बाद फिर जब मेडिकल से फाइनली आप घर आ गए, यस सर, फिर आपने वेट किया आपकी मेरिट लिस्ट. उसका मुझे बहुत डर था, जैसे स्क्रीन इन का था ना वैसे ही मुझे मेरिट का डर था. क्या मैं जानना चाहूंगा उस दिन बेसिकली जिस दिन मेरिट आउट हुई, यस सर, तो आपको कब पता चला और क्या आपके लिए सर? ग्रुप है एक NDA 150 रिकमेंडेड, तो उस पे ऐसे ही कि मेरिट आ गए, मेरिट आ गए. सारे जो रिकमेंडेड बच्चे हैं ग्रुप बनाया हुआ है. हां मतलब उसमें ज्यादातर बच्चे हैं, 411 पार्टिसिपेंट्स आई थिंक अभी जो वहां आपके SSB के बच्चे थे सारे थे. हाँ मतलब जो भी रिकमेंड हुए ज़्यादातर ग्रुप में है. तो पहले तो ये था कि 16 को रिटर्न एग्जाम था ना NDA का, मैं वो दे के आई थी. मैं ये चाहती थी मेरे JEE के रिजल्ट से पहले आ जाए NDA का रिजल्ट. JEE का रिजल्ट मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, अगर मेरी 100% आती तो भी मेरा इंटरेस्ट नहीं लगा कि JEE में. तो 17 को रिजल्ट आ गया शाम को, तो मैंने पहले ही ना, मुझे लगा मैं शायद 16, 17 या 18 ऐसे नंबर पे हूँ लड़कियों में. फिर मैं सोची नीचे भी तो हो सकती हूँ. ऐसे ऐसे नाम थे दिवांशु प्रिया. अब वो लड़की है या लड़का में ये समझ में नहीं आना. ऐसे ही मतलब ऐसे 3-4 और नाम भी थे जो लड़का लड़की किसी के भी हो सकते हैं. तो कुछ तो हमने कंफर्म किए उस रात तक. तो मतलब उस दिन तो ऐसा हुआ था, मंडे था ना, तो मैं ऐसे शाम को जोत लगाने जाते घर में, तो मैंने मंदिर के आगे जोत लगाई और मैं भगवान मैं 5 फास्ट रखूँगी पक्का. मैं पहले सोच रही बैठ के 5, 7, 15 कितने बोलने चाहिए, 5 फास्ट रखूँगी भगवान मैं पक्का, मेरा मेरिट इन करा दो. मैं ऐसे कर रही थी. तो उस टाइम फिर क्योंकि ये था ना कि अगर सारे काउंट करी जिन पे डाउट है तो नीचे भी जा रही हूँ, मेरिट आउट भी हो सकती हूँ. फिर उसके बाद फाइनली ये हुआ ना मेरिट इन हूँ, तब मेरे को ऐसे बहुत खुशी हुई.
वाह मजा आ गया। आपका आपने देखा आपका मेरिट में जो नंबर था यस सर कितना आपका मेरिट सर ओवरऑल 175 था। 175 यस सर 175 आपके ऑल इंडिया रैंक थी यस सर। तो सबसे पहले आप ही को पता चला है आपने फैमिली में आप फैमिली वालों ने आपको इन्फॉर्म किया था? नहीं सर ग्रुप तो मैंने ही खोला ना तो मैसेजेस मैंने ही देखे। तो फिर आपने इन्फॉर्म किसको किया फर्स्ट सबसे पहले? मैंने ये बोला मेरी बहन को मम्मा को कोई कुछ मत बोलना मेरी मेरिट लिस्ट आ गई है मेरे को शांति से मेरा नाम गिनने दो कुछ गड़बड़ हो गई ना क्योंकि फिर ना ये होता है कोई भी कितना भी क्लोज हो फिर वो टोंड भी डबल लगेंगे हो गई ना मेरिट आउट ज़्यादा उछल रही थी रिकमेंड होके जैसे अब भी बोलते तो वैसे ही मेरिट इन हो गई किस्मत थी। नहीं सीरियसली मेरे को मेरे SSB मार्क्स ने बचाया है तो ये है कि मेरी किस्मत थी वही SSB में थोड़ा बहुत कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम फिर दादी को पता चला फिर पापा को ऐसे कि हाँ मेरिट लिस्ट आ गई फिर एक बार मैं बोली ना शायद 22 भी हो सकती है मैं लड़कियों में तब सारे हो गई ना मेरिट आउट। अभी फिर से ध्यान से देख बेटा फिर थोड़ा शांत हुआ कि नहीं ऐसे नहीं एक बारी डांट लगा कि ध्यान से देख ले तू मेरिट इन हो गई। और मैं ना फर्स्ट डे से यही बोलती थी तुम लोग 18 सीट के लड़ रहे हो 19 भी मेरी है तो एक्चुअली अगर सारे फिट होते ना तो मैं 19th गर्ल थी जो अकेडमी जाती लेकिन शायद दो अनफिट है तो मैं अभी 17th औरों का मुझे भी दो तीनों का RMB था तो पता नहीं है। वरना जब ऐसा हुआ ना फाइनली कि हाँ मैं रिटर्न हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कुछ लड़कियाँ थी बहुत ऐसे मेरे जैसी कुछ नहीं करेंगी ठीक है जो पता चलेगा वो करेंगी कुछ ऐसी थी जो जेन्युइनली सबकी लिस्ट बना रही हैं और कुछ लड़के भी थे जिन्होंने पूरी पूरी लिस्ट बनाई है मतलब ऐसे पोल्स वगैरह करके और गूगल फॉर्म्स भरवा के और लड़कियों ने भी अलग से ऐसे भी करा कि कौन कौन लड़की क्या क्या फिट है ऐसे तो उन्होंने लिस्ट बनाई तो एक लड़की ने शायद उसकी 10th पोजीशन है लड़कियों में अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो उसने बोला था भाई ये लड़की है लड़का अब प्रांजल भिड़े शायद उसका नाम था तो मेरे को लगा ये मैं सीधा पूछी ये मेरे से ऊपर है नीचे है वो बोले नहीं तो मेरिट इन है पक्का मेरिट इन है कोई और ऊपर लड़का नहीं इसका पूछ रहे फिर पता चला वो भी लड़की फिर मैं सोच रही अब सारे फिट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है मुझे